आज की वीडियो में हम सीखेंगे चुनिंदा ऐसे 5 योगासनों के अभ्यास जिनकी मदद से अगर आपको लोअर बैक में पेन होता है, टेल बोन के अराउंड पेन होता है, अगर आपको साइटिका का पेन होता है, हिप जॉइंट्स के अराउंड बहुत ही ज़्यादा स्टिफनेस होती है, कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है ना, तो इस वीडियो में बताए जाने वाले ये 5 योगासन आपको ज़रूर निरंतर अभ्यास करते रहने चाहिए जिससे कि आप इस तरीके के जो पेन हैं इससे ओवरकम हो सके, इनको रिड्यूस कर सके। इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो आइए अब अभ्यास करते हैं योगासनों का जिनकी मदद से हमारी लोअर बैक, हमारी साइटिका पेन, कमर के निचले हिस्से में जो दर्द है उससे निजात पाने में हमें मदद मिलेगी। इसके अलावा आपकी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड कोई भी दूसरी समस्याएं हैं उनको भी आप बहुत अच्छी तरीके से दूर भगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने आना है टेबल टॉप पोजीशन पर। अब बहुत बार क्या होता है, टेबल टॉप पोजीशन करते वक्त लोग बहुत गलतियां करते हैं एंड आई डोंट वांट कि आप वो गलतियां करें। तो आपको करना क्या है कि आपने इस तरीके से ऐसे वज्रासन में बैठना है, फिर उसके बाद दोनों हाथों को ऐसे मैट पर रखना है और मैट पर रखने के बाद आपने दोनों हाथों को इस तरीके से आगे की तरफ स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करने के बाद आपके हाथ जितनी दूर तक पहुंचे वहां तक हाथ को ले जाइएगा और दोनों हाथों के बीच में नॉर्मल कंधे जितना फासला रहने दीजिएगा। अब इसके आगे तो आपके हाथ नहीं पहुंच रहे, अब आप ये मत कीजिएगा कि कमर ऐसे उठा दीजिए, कमर को अपनी एड़ी पर ही रहने दीजिएगा और इस तरीके से अपने हाथ को आगे की तरफ जाने दें और फिर उसके बाद धीरे से अपने घुटने पर आ जाएं और दोनों घुटनों के बीच में आपने अपने कमर जितना फासला कर लेना है, जोड़ के मत रखिएगा, ऐसे इनको ऐसे अलग कर लेंगे ऐसे इस तरीके से। और हाथ की पोजीशन जो आप बैठते हुए मेजर किए थे हाथ की पोजीशन वहीं पर रखेंगे, इसको और आगे मत बढ़ा दीजिएगा ऐसे, तो आपका हाथ प्रॉपर आपके कंधा, आपकी कुहनी, आपकी कलाई, ये तीनों एक लाइन में होने चाहिए, ठीक है, ऐसे ना तो पीछे और ना ही बहुत आगे सेंटर पे, सो दैट बॉडी का वेट आपका बहुत अच्छी तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो हाथों पर, घुटनों पर, और दोनों पैरों को आप टो को पैर के बड़े अंगूठे और बाकी की उंगलियां बाहर, एंकल बाहर की तरफ ऐसे टक करके मत रखिए, इसको बाहर ढीला छोड़ दीजिए। अब हमने टेबल टॉप पोजिशन अडॉप्ट कर ली है, सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने पेट को ढीला छोड़ें, छाती को नीचे की तरफ पुश करें और गर्दन को घुमा दें छत की तरफ, सांस लें और सांस छोड़ते हुए नाभि को अंदर की तरफ खींचें, पुल करें और अपनी नाभि को देखें, सांस लें, पेट को ढीला छोड़ दें, छत की तरफ देखें और सांस छोड़ते हुए अपनी नाभि की तरफ देखें इस तरीके से। सांस लेते हुए ये हो गया काऊ स्ट्रेच, बिटिल आसन, सांस लिया है ना, कैसे गाय की जो रीढ़ की हड्डी होती है हल्की सी झुकी होती है ऐसा, और सांस छोड़ते हुए कैट स्ट्रेच, कैसे बिल्लियां अंगड़ाई लेती हैं, गुर्राती हैं, तो इस तरीके से पूरी कमर को ऐसे ऊपर की तरफ खींचना है। सांस लीजिए, अपनी स्पाइन को आर्च कीजिए, छत की तरफ देखिए और सांस छोड़ते हुए अपनी नाभि को अंदर की तरफ पुल कीजिए और अपनी नाभि को देखिए, पूरी स्पाइनल कॉर्ड को राउंडेड कर दीजिए। सांस लीजिए, छत की तरफ देखिए और सांस छोड़िए, अपनी नाभि की तरफ देखिए ऐसे, ठीक है, सांस लेते हुए धीरे धीरे। तो ये अभ्यास कम से कम आपको 8 से 10 बार करना है और जो भी इंसान इसका अभ्यास 8 से 10 बार हर रोज़ करेगा उसको ज़िंदगी में कभी भी नेक पेन, शोल्डर पेन, बैक पेन नहीं होगा। इसके अलावा इसका अभ्यास करने से आपके पूरी की पूरी पेट की मांसपेशियां जो है उन पर बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है। पेट की मसल्स तो मजबूत होंगी, इसके अलावा सारे आंतरिक अंगों को बहुत गहरा मसाज मिलेगा। अब ये भी जान लीजिए कि ये अभ्यास करते वक्त आप क्या गलती करते हैं और क्या गलती आपको नहीं करनी है। तो टेबल टॉप पोजीशन पे आने के बाद बहुत से लोग पता है क्या गलती करते हैं, ऐसे झटका देके प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे 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 ऐसे। अगर आपने ये प्रैक्टिस की ना
तो आपको अगर बैक पेन नहीं भी है तो फिर भी आपको बैक पेन हो जाएगा, गर्दन कंधे ऐसे जबरदस्ती घुमाने से गर्दन और कंधों में भी आप एक्सपीरियंस करेंगे कि दर्द होना शुरू हो गया है। तो ऐसे नहीं, सांसों के साथ सिंक्रोनाइज करके आपको अभ्यास को करना है। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को हम जूम के माध्यम से कंडक्ट करते हैं, सो दैट आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में हो आसानी से मेरे साथ जुड़कर योग का अभ्यास कर सकें। इन योगा क्लासेस में आपको क्या सिखाया जाएगा? हर दिन सुबह 7 से 8 बजे और 6 से 7 बजे क्लासेस होती हैं। 1 घंटे का ड्यूरेशन होता है और इस 1 घंटे में आप बहुत से आसन, प्राणायाम, ध्यान कैसे करते हैं, रिलैक्सेशन कैसे करते हैं, ये तो 1 घंटे के ब्यूटीफुल पैकेज में आपको सिखाया जाता है। वहीं हर दिन अलग अलग तरीके की प्रैक्टिसेस होती हैं, किसी दिन स्लो, किसी दिन फास्ट, किसी दिन हम पूरी की पूरी मेडिटेशन करते हैं, किसी दिन हम बहुत सी यौगिक क्रियाएँ करते हैं जिससे कि बॉडी डिटॉक्स हो सके। अब आपको एक बात बताऊं, मेरी जो इन योगा क्लासेस हैं, इन योगा क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कोई हेल्थ कंडीशन होती है, जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, लेडीज़ को पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है, रात में नींद नहीं आती, एक्सेसिव स्ट्रेस होता है। तो इन क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद मेरे स्टूडेंट्स की हेल्थ कंडीशन में ना गज़ब का चेंज देखने के लिए मिला है। और अगर आप बिगनर हैं तो भी घबराइए नहीं, मैं आपको अच्छी तरीके से गाइड करूँगी ताकि आप आसानी से अभ्यास कर सकें। और अगर एग्जिस्टिंग प्रैक्टिशनर हैं तो आपको आपकी प्रैक्टिस को और डीपन करने में और मदद मिलेगी। अब किसी कारण से आप सुबह 6 बजे से 7 बजे या 7 बजे से 8 बजे क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, मैंने कुछ ऐसे कोर्स डेवलप किए हैं जिसमें रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं जो कि एक्सक्लूसिव मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। और इन वीडियोस को प्ले करके अपने घर के ही कंफर्ट जोन में 1 घंटे का वक्त जब आपको मिले, आप वो वक्त निकालिए, इन वीडियोस को प्ले कीजिए और अपनी प्रैक्टिसेस को शुरू कर दीजिए। कितना आसान है ना? और इस 1 घंटे की ड्यूरेशन में आपको आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए मिलेंगी। अगर आप इन जूम क्लासेस और रिकॉर्डेड सेशन के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा, जो कि है www.yogawithshahida.com। या कि फिर यहाँ पर मैंने जो ये WhatsApp नंबर शेयर किया है ना, इस WhatsApp नंबर पर अगर आप एक WhatsApp कर देते हैं तो आपको तत्काल सारी की सारी जानकारी भेज दी जाएगी। जाइए, चेकआउट कीजिए। अब बढ़ेंगे दूसरे अभ्यास की तरफ जिसका नाम है बद्ध कोणासन। पहला आसन का अभ्यास पूरी स्टिफनेस को दूर भगाया। दूसरे आसन के अभ्यास से हम कमर के आसपास की जो स्टिफनेस है, स्पेशली हमारे हिप जॉइंट्स की स्टिफनेस है, इसको छूमंतर करेंगे। तो कैसे करेंगे? अपने दोनों पैर के तलवों को आपने ऐसे जोड़ लेना है एक दूसरे के साथ, इस तरीके से, ऐसा ऐसा, सामने से देखिए, ऐसा इस तरीके से पैर के तलवों को एक दूसरे के साथ जोड़ें और इसको बॉडी के और करीब ऐसे लेके आए। अब देखिए यहाँ पर घुटनों के नीचे कितना गैप दिख रहा है ना, तो अपने हाथ को बॉडी के पीछे लेके जाइए और थोड़ा सा अपनी रीढ़ की हड्डी को ऐसे ऊपर की तरफ खींचिए, सो दैट कि आपके घुटने और हल्का सा नीचे की तरफ आ जाएं। और अगर घुटने सिर्फ यहाँ तक भी पहुँच रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आपने रखा, उंगलियों को फंसाइए अब एक दूसरे के साथ, ऐसे ऐसे, और इनका एक इस तरीके से टोपी बनाइए, कैप बनाइए, और इस कैप के बीच में अपने दोनों पैरों को इस तरीके से फंसा दीजिए। फंसाने के बाद घुटनों को उठाइए, फिर ड्रॉप कीजिए, घुटनों को उठाइए, फिर ड्रॉप कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। इस अभ्यास को नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करें, लेकिन सांसों को सिंक्रोनाइज करके अभ्यास करेंगे तो और भी अच्छा है। सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा। और बहुत से बार आपने देखा होगा कि लोग ऐसे इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा, तो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ये प्रैक्टिस भी इस तरीके से की जा सकती है। लेकिन अगर आप जब कंट्रोल के साथ इसको उठाते हैं और छोड़ते हैं, उठाते हैं और छोड़ते हैं, तो एग्जैक्टली आप महसूस करेंगे कि उन मसल्स में और ज़्यादा मेहनत हो रही है इस तरीके से। तो इसका अभ्यास कितनी बार करना है? इसका अभ्यास कम से कम 30 बार या 1 मिनट कर ले, 1 मिनट तक के लिए ये अभ्यास कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। फिर उसके बाद जब आप ये अभ्यास कर लें तो दोनों हाथों को इस तरीके से अपने घुटने के ऊपर रखें, एंड देन स्लोली पुश इट डाउन, ऐसा इस तरीके से धीरे धीरे पुश करें, पुश करें, पुश करें, पुश करें, और होल्ड करके रखें, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1 और दोनों घुटनों को एक दूसरे के साथ जोड़ें और फिर हग कर लें, सो दैट पैरों के आसपास कोई टेंशन है तो उसको आपने छूमंतर कर दी। अब बात आती है गलतियों की, कॉमन मिस्टेक की, जो अक्सर लोग करते हैं कि पैर अगर नहीं पहुंच रहे ना, अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा कड़ापन है, स्टिफनेस है, तो फिर इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा उससे लड़ते हैं, इसे ऐसे लड़ते हैं, ऐसे ऐसे इस तरीके से ऐसे स्पाइन को आप क्या करते हैं कि ऐसे, मैंने शुरू में ही बताया कि स्पाइन को सीधी रखनी है, तो क्या करेंगे, स्पाइन को ऐसे टेढ़ा कर लेते हैं और फिर ऐसे प्रैक्टिस करते हैं ऐसे। तो स्पाइन अगर टेढ़ा नहीं करेंगे तभी तो जो टेंशन है वो दूर होगी, तो आपको स्पाइन को क्या करना है, सीधा करना है। और पैर जितना खुले आपको पैरों को उतना ही खोल के अभ्यास करना, लेकिन स्पाइन को सीधा रखना, ऐसा इतना पहुँचे इतना, इतना पहुँचे इतना, इतना पहुँचे तो इतना, तो जितनी शरीर की कंडीशन हो उतना ही अभ्यास करना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले आसन के अभ्यास की तरफ, इसका नाम है भुजंग आसन। लेकिन भुजंग आसन के आज हम वेरिएशंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इनके जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। तो हमने क्या करना है, अपनी योगा मैट पर पेट के बल ऐसे लेट जाना है। अब भुजंग आसन करते वक्त हमेशा हम अपने पैर की एड़ी को ऐसे जोड़ लेते हैं और अंगूठों को बाहर रखते हैं, सो दैट लोअर बैक पे बड़ा अच्छा एक खिंचाव आए। अब दोनों हाथों को चेस्ट के ऐसे साइड में रखेंगे, ऐसे इस तरीके से हम अभ्यास कर रहे हैं बेबी कोबरा पोज या सलंब भुजंगासन का। अब क्या करेंगे, ऐसे माथे को ड्रॉप कर दिया। अब मेजरमेंट के लिए जहाँ पर आपके हाथ की हथेलियाँ हैं जो कि एग्जैक्टली आपके ब्रेस्ट के साइड में हो, ना तो आगे हो ना बहुत पीछे हो, जहाँ आपका ब्रेस्ट है, चेस्ट है, एग्जैक्टली वहीं पर रखेंगे। और फिर उसके बाद जहाँ पर आपकी हथेली है वहीं पर आप अपने एल्बो को ड्रॉप कर देंगे, ऐसे एल्बो यानी कुहनी, कुहनी को ड्रॉप करने के बाद हथेली आगे आ गई ऐसा, और हेड को ड्रॉप कर दिया, एड़ी जुड़ी हुई है ऐसा, एड़ी और घुटने जुड़े हुए हैं, सांस लेते हुए ऐसे उठाएं और अपनी एल्बो को अंदर लाते हुए एग्जैक्टली आपकी एल्बो जो है कुहनी और एल्बो एक लाइन में हो और छत की तरफ देखें, ऐसे पैर जुड़े हुए हों, और यहाँ पर ब्रीथ करें। इस पॉस्चर को कम से कम 10 सेकेंड के लिए रोकें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, और फिर उसके बाद ब्रीदिंग नॉर्मल करते रहें, धीरे धीरे हेड डाउन, फिर से सांस लें। अगर आपके लंग्स की कितनी इतनी कैपेसिटी है कि 10 सेकेंड तक आप सांस रोक सकते हैं तो सांसों को रोकें, और अगर सांस को रोकने में दिक्कत आए तो नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए छत की तरफ देखें, ऐसे ना देखें, है ना, छत की तरफ देखें और होल्ड करें, 5, 4, 3, 2, 1 और फिर रिलीज कर दें। तो जब आप इसका अभ्यास करें तो इसको कम से कम 3 सेट करें, और 3 सेट में मैक्सिमम जितनी देर तक आप रुक सकते हैं रुकें। इसमें चूंकि आपका एल्बो का सपोर्ट है तो आप इस पोस्चर को ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड ऐसे रोकें और इसको 3-3 सेट करें। फिर उसके बाद अब इसमें गलती क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक बेबी कोबरा में, कि गर्दन को नहीं उठाते, ऐसे चेस्ट को उठा लिया, गर्दन को नहीं उठाएंगे, पैर अलग करके रखेंगे। तो इससे क्या हुआ कि इतना करने से लोअर बैक में टेंशन नहीं है, जैसे ही आप अपनी एड़ी को जोड़ेंगे और गर्दन को उठाएंगे, खींचेंगे, तो आप इसका इफेक्ट अपनी लोअर बैक पर महसूस करेंगे ऐसा। तो पैरों को जोड़ के रखें और गर्दन को पूरी खोल के रखें ताकि आपके शरीर का जो पॉस्चर है वो सही हो। इसका प्रैक्टिस करने के बाद अब हम ऐसे थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, ये हो गया, इसको कहते हैं क्रोकोडाइल पोज, इसमें रेस्ट कर लेंगे। अब कुछ देर रेस्ट करने के बाद आपने चूंकि बेबी कोबरा का प्रैक्टिस कर लिया, सलंब भुजंग आसन का प्रैक्टिस कर लिया, तो अब मैं चाहती हूँ इसी को थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दें। अब क्या करें, अपने पैरों को अलग कर लें ऐसा ऐसा, टू आउट कर लें, एड़ियाँ अंदर की तरफ, एंकल बाहर ऐसा। अब धीरे धीरे जहाँ पर आपने अपनी हथेली को रखा था वहीं से आप अपनी एल्बो को उठाएं और एक एक्सटेंशन दे, एक्सटेंडेड कोबरा पोज, ब्रीद करते रहें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, एल्बो ड्रॉप करें और फिर
बेबी कोबरा में आए और फिर उसके बाद ऐसे मकर आसन इस तरीके से रेस्ट करें। जब 5 से 10 सेकंड का रेस्ट हो जाए फिर से दोनों पाम्स को चेस्ट के साइड में रखा, एल्बो को मैट पर रखा, फिर धीरे से अपने हेड और चेस्ट को उठाए। पैर को अलग करके ही रखिएगा। क्यों अलग करके रखिएगा? क्योंकि अब आप एक्सटेंशन दे रहे हैं। अब धीरे से अपनी एल्बो को उठा लें और छत की तरफ देखें, ब्रीद करें ऐसा, तो इससे आपका पूरा बॉडी का जो बिगड़ा हुआ पॉस्चर है ना वो सही होगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 रिलीज कर दें। गलती मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि इसमें पैर को जोड़ के मत रखिएगा, इसलिए क्योंकि इसमें एक्सटेंशन मिल रहा है। तो अगर पैर को जोड़ के रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको असुविधा महसूस होगी एक्सटेंशन में। तो पैरों को अलग करके और फिर इस तरीके से पूरी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेच करें। अब गलतियों को भी जान लिया है, अब हमने एक्सटेंडेड भुजंगासन का अभ्यास करने के बाद फिर से रेस्ट करना है। हर एक अभ्यास के बाद आप रेस्ट ज़रूर किया करें और फिर उसके बाद दूसरे अभ्यास की तरफ आगे बढ़ा करें। बेबी कोबरा और एक्सटेंडेड भुजंगासन जो दोनों अभ्यास बताए हैं इनको आपको 3 सेट करना है। 3 सेट में आप जो रुकने का टाइम है वो आप डिसाइड करें, 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड जितनी देर आपको रुकना है वो आप डिसाइड करें। अब ऐसे ही पेट के बल लेटे हुए हम अगले पोस्चर का अभ्यास कर रहे हैं जिसका नाम है शलभासन। शलभासन हमारी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, चाहे हमारे जननांग हो चाहे लोअर बैक हो, सब के लिए। तो आपको करना क्या है, अपनी ठुड्डी को ऐसे मैट पर रखना है, ऐसे चिन को मैट पर रखिएगा, ठीक है, ऐसे चिन को मैट पर रखने के बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे लॉक कर लेंगे बॉडी के नीचे इस तरीके से। हथेलियां जो है वो बॉडी की तरफ है, ऐसे अंदर मत घुमाइएगा, ऐसे करिएगा, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। अब इस तरीके से अब हाथ को इस तरीके से एल्बो से सीधा रखिएगा, मोड़िएगा नहीं। अब धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा अलग कर लें और फिर उसके बाद हल्का सा एक पैर उठाएं, ऐसे हवा में होल्ड करें, 1, 2, 3, 4, 5 सांस छोड़ दें, सांस लें, रोकें, 1, 2, 3, 4, 5 ड्रॉप कर दें, फिर से सांस लें, रोकें, 1, 2, 3, 4, 5 ड्रॉप कर दें, फिर से दूसरा पैर सांस लें, रोकें, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इस तरीके से इसका अभ्यास आप 3-3 सेट कर लें और 5 सेकेंड 10 सेकेंड जितना रोकना चाहे उतना रोकें और फिर उसके बाद आप दोनों पैर को उठाने की कोशिश करें, कैसे, इस तरीके से, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 फिर ड्रॉप कर दें, वापस से सांस लें, सांस रोकें, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ड्रॉप कर दें। पैर को बहुत ज़्यादा ऊपर उठाने की कोशिश ना करें, जितना आसानी से उठ जाए उतना आसानी से करें। फिर उसके बाद इस अभ्यास को करने के बाद आप पीठ के बल लेट जाएंगे। अब हमने सारी की सारी प्रैक्टिसेस ऐसी की जिसमें हमारी रीढ़ की हड्डी ऊपर की तरफ आर्च थी, अब इसको धीरे धीरे हम इसको आराम देंगे। अपने राइट पैर को इस तरीके से घुटने से मोड़ा और लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ा और दोनों हाथों को फंसा के ऐसे हल्का सा आराम करेंगे, राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड, इस तरीके से हल्का सा लुढ़केंगे और फिर उसके बाद धीरे से अपनी योगा मैट पर पैरों को सीधा करके लेट जाएंगे, शवासन में रेस्ट करेंगे। कितनी आसानी से हर एक अभ्यास को मैंने जितना सरल करना था, जितना आसान करना था, ईजी करना था, मैंने सब कुछ आपको बताया। इसी आशा से कि आप अपने घर पर ही इन योगासनों का अभ्यास करना शुरू कर देंगे जिससे आपको स्वास्थ्य लाभ मिले। अब ये अभ्यास सिर्फ करके खुद तक ये वीडियो मत रखिएगा, अब आपकी जिम्मेदारी हो गई है मेरा हाथ बटाने की कि मैंने ये वीडियो बना दी, आपको सिखा दिया, अब आप ये वीडियो अपने दोस्तों को भी तो फॉरवर्ड कीजिए, उनको भी व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके सुझाए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, या कि अगर आपके कोई सुझाव है या कि आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी या कि आपको कुछ भी चीज़ें कहनी है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बेसब्री से आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। आप वीडियो यहाँ तक देख ली है तो यानी अच्छी लग रही है, यानी आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, और अगर लाइक नहीं किया तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भी भूल गए हैं तो जाने से पहले ये शुभ काम भी करके जाइए कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए।
अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए। अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी किसी नए टॉपिक के साथ, और फिर करेंगे योग का अभ्यास। नमस्ते।